हेलो गाइस, कैसे हैं आप? होप आप सब अच्छे होंगे इस कोरोना के टाइम पे। गाइस, मैं आपके सामने आज टैटू लेके आई हूँ, जो टेम्परेरी टैटू है। प्लीज़, ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि टेम्परेरी टैटू कैसे बनाया जाता है। आज हमारे साथ इसके लिए हैं राहुल शर्मा, जो कि जिनके हाथ पे हम बनाने वाले हैं, और ये हमारे हैं नवीन राणा भट्ट, जो आज बनाएंगे। ये हमारे टैटू मेकर हैं। आज ये आपको बताएंगे कि टेम्परेरी टैटू कैसे बनाया जाता है। उसके लिए आपको गाइस कुछ छोटे मोटे सामान की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको इजीली आपके घर पे या किसी भी स्टोर पे आपको इजीली मिल जाएगा। फर्स्ट आपको ये एक रेजर यूज़ करना पड़ेगा, जो आपके जहाँ पर भी आप टैटू बनाएंगे उसको रिमूव करने के लिए, जो भी आपके हेयर्स है, ठीक है। उसके बाद आपको ये कोलगेट की ज़रूरत पड़ेगी, कलर के कोई भी साइड इफेक्ट ना हो और जो आपका टैटू है वो थोड़े दिन तक, मतलब थोड़ा लॉन्ग टाइम तक रहने के लिए आपको ये कोलगेट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद गाइज, आप ये जो परमानेंट मार्कर है, देखिए, आप उसका यूज़ करना पड़ेगा आपको, कीजिएगा। कोई भी आप कलर यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको कलर देना है अपने टैटू को, ठीक है गाइज। उसके लिए आपको ये लाइनर है, देखिए, वाटरप्रूफ लाइनर है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाटरप्रूफ है, ये भी आपके हाथ पे थोड़े दिन तक रहेगा, ठीक है गाइज। उसके बाद देखिए, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं लाइटर, ये आपके जो भी छोटे मोटे हेयर्स होंगे उसके लिए होगा, आप उसको रिमूव करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका रेजर से नहीं हो पाया प्रॉपर, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं हल्के मात्रा पे। गाइज देखिए, आपको फिर और अच्छी फिनिशिंग देने के लिए आपको, और अगर उसमें कलर ऐड करना है या उसको ज़्यादा स्पार्कल बनाना है, तो आप ये स्पार्कल पेन का यूज़ कर सकते हैं। गाइज हमारे पास ये दो कलर हैं, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। चलो गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं कि टैटू कैसे बनाया जाए। जो आज हम बनाने वाले हैं वो ये टैटू है, देखिए गाइज, ये टैटू हम बनाने वाले हैं राहुल शर्मा के हाथ।
देखिए गाइस, नवीन जी अभी ये पाउडर अप्लाई कर रहे हैं। ये इससे क्या होगा, जो आपका टैटू है अगर वो कहीं से भी थोड़ा सा भी जैसे अब कहीं पे पसीना होगा या कुछ भी चिपचिपा या कुछ भी पैचीसा होगा तो उससे ये क्या होगा, ये ड्राई हो जाएगा, जिसके कारण जो आपका जो पेन है या मार्कर है वो नहीं छूटेगा। देखिए आप इसे ऐसे अप्लाई कीजिएगा हल्के हल्के हाथों से। देखिए गाइज, अब नवीन जी ये लाइनर अप्लाई करने वाले हैं ताकि जो आपका टैटू है वो और भी ज़्यादा गाढ़ा हो, जिसके कारण अच्छी फिनिशिंग आए और काफ़ी टाइम तक रहे। अप्लाई करने से जो इसकी फिनिशिंग है वो और भी ज़्यादा दिखेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। देखिए गाइस, इस लाइनर का जो काम था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि ये मार्कर से कैसे फिनिशिंग की जाए। देखिए गाइस, ये डन हो चुका है। आप इसको थोड़ी देर सूखने दीजिए ताकि ये प्रॉपर सूखने के बाद हम मार्कर का इस्तेमाल कर सकें। गाइस, ये कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अब हम मार्कर का यूज़ कर रहे हैं। नवीन जी अब इसमें रेड मार्कर का यूज़ करने वाले हैं फिनिशिंग के लिए। देखिए आप, प्लीज़ गाइस, अगर आप यूज़ करेंगे तो परमानेंट मार्कर ही यूज़ कीजिएगा। दूसरा मार्कर अगर आप यूज़ करेंगे तो वो 2 मिनट में आपका उतर जाएगा और आपका सारा जो टैटू होगा वो ख़राब हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप रेड मार्कर ही यूज़ करें। गाइज, आप एक ग्रीन मार्कर यूज कर रहे हैं। देखिए गाइज, ये हमारा टैटू है, ये आप कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं नवीन जी ने को किस तरीके से फिनिशिंग दी है। देखिए, इसमें हमने ग्रीन और रेड मार्कर का यूज किया है और हमने ये येलो कलर का स्पार्कल जो पेन होता है हमने उसका इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक सब्सक्राइब करिए, यह मेरा पहला वीडियो है। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार भरे कमेंट और लाइक करिए। और ऐसा ही वीडियो फिर देखना चाहिए तो देखना चाहते हो तो फिर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे राय दिखाना, राय बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस टाइम फॉर बाय बाय।